हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भावस्था के 27 से लेकर 30 हफ्ते यानी कि 7 माह में शिशु के विकास के बारे में बताऊंगी कि गर्भ में शिशु 7 माह का पूरा होते होते कितना विकसित हो जाता है। अब आप अपनी गर्भावस्था के थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रवेश कर चुकी होती हैं। अब आपके बच्चे के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास तेजी से होता है और उसके फेफड़े काम करने लगते हैं। शिशु के कान विकसित हो चुके होते हैं और वो सुनने में सक्षम होता है। उसकी सोने और जागने की क्रिया पहले से और अधिक स्पष्ट हो जाती है और वो सोते समय अब सपने भी देखना शुरू कर देता है। बच्चा अब अपनी आंखें खोलना और रोना भी शुरू कर देता है। यदि आप अपने पेट पर टॉर्च या कोई चमकदार रोशनी डालें तो आप शायद महसूस कर पाए कि शिशु इसे देखने के लिए अपना सिर घुमाने लगता है। हालांकि उसकी दृष्टि अभी विकसित हो रही होती है और जन्म के बाद भी इसका विकसित होना जारी रहता है। जब शिशु का जन्म होता है तो वो केवल 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी तक ही चेहरों को और चीजों को देख सकता है। इस महीने में आपको बच्चे की हलचल सबसे अधिक महसूस होती है क्योंकि बच्चा अब ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी हड्डियां भी पहले से अधिक बलशाली और मजबूत हो जाती हैं और उसके गर्भरोम अब गायब होना शुरू हो जाते हैं। इस माह के अंत समय तक आपके शिशु का आकार तकरीबन एक पत्ता गोभी के जितना हो जाता है। आपके शिशु का माप सिर से लेकर एड़ी तक अब लगभग 40 सेंटीमीटर यानी कि 15.7 इंच से थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। इस चरण में उसका वजन करीबन 1.3 किलोग्राम हो गया होता है। शिशु के चारों तरफ मौजूद एमनियोटिक द्रव हर सप्ताह बढ़ रहा था, मगर शिशु के बड़े होने के साथ साथ द्रव का बढ़ना कम हो जाता है। अगले कुछ हफ्तों में एमनियोटिक द्रव की मात्रा अपनी अधिकतम सीमा पर यानी कि 800 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर के बीच तक पहुंच जाएगी। जब आप प्रसव की नियत तिथि तक पहुँचती है तो ये घटकर 600 मिलीलीटर तक हो गया होता है। इस महीने आपका वजन काफी बढ़ गया होता है। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में हर सप्ताह 450 ग्राम वजन वृद्धि सामान्य मानी जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, डायाफ्राम बढ़ने पर दबाव बढ़ जाता है। इस अवधि के दौरान थकावट बढ़ने लगती है, इसलिए गर्भवती महिला ज्यादा आराम करती है। इस वक्त गर्भवती माँ को खुली हवा में चलने में जितना संभव हो उतना समय बिताना चाहिए। बहुत सी महिलाओं को इसी महीने बच्चे पैदा हो जाते हैं जिन्हें प्रीमेच्योर बच्चे कहा जाता है, परंतु उन्हें डॉक्टर की देखरेख में रखा जाए तो इन बच्चों को बचाना संभव होता है। इस दौरान महिला को योनि के स्राव में वृद्धि, पेट के निचले हिस्से में दर्द, सिर दर्द, बेहोशी, चक्कर आना, नाक बंद होना, नाक से खून निकलना, कान में गंदगी, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आना, टांगों में ऐठन, पेट दर्द, पेट पर खुजली, सांस लेने में तकलीफ और नींद न आना या फिर एसिडिटी, कब्ज और गले में जलन की शिकायत सबसे ज्यादा हो सकती है। अब आपका पेट पहले की 2 तिमाही से अधिक दिखने लगता है तो हो सकता है आपको नए कपड़े लेने की आवश्यकता हो। गर्भावस्था में भुलक्कड़ हो जाना यानी कि चीजों को भूल जाना भी आम होता है। इसके वास्तविक कारणों का तो पता नहीं, मगर गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक बदलाव इसकी वजह हो सकते हैं। ये एक अस्थायी दुष्प्रभाव होता है और शिशु जन्म के बाद ये सब सामान्य हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर और जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।